नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने मक्का का पौधा लेकर आया हूं और आज इसी मक्का के फायदे के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि यह मक्का मक्का नहीं है, हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद एक आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन जो लोग नहीं जानते इसके फायदों के बारे में तो मात्र इसे खाद्य पदार्थ समझ कर खाते हैं और खाकर भूल जाते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते हैं कि मक्का खाने से हमारे शरीर के अंदर क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग मक्का का खेत तो देखे ही होंगे और जो लोग नहीं भी देखे हैं तो आप लोग देख लीजिए, यह मक्का का खेत है। मैं मक्का के खेत में घुसकर वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, मक्का का पत्ता लंबे लंबे होता है जो कि आप देख रहे हो, और इसमें जो मक्का का फल लगता है उसे भी आप लोग बाजार में बिकते हुए देखे ही होंगे, और जो खेत में नहीं देखे हैं तो खेत में पौधे में लगा हुआ मक्का का फल देख लीजिए। तो चलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस मक्का के पौधे को देखकर पहचान चुके होंगे कि मक्का का पौधा कैसा होता है। तो आओ चलो अब इसके फायदों के बारे में भी हम कुछ जान लें कि यह मक्का हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है। और हाँ दोस्तों, मक्का के दाने को पॉपकॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। बड़े बड़े शहरों में सूखे हुए मक्का का लावा बनाकर लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो दोस्तों मक्का के दानों के अंदर यानी बीज के अंदर विटामिन ई की मात्रा भरपूर होता है, इसलिए अगर हम मक्का का सेवन करते हैं तो शरीर का बल बढ़ता है, ताकत बढ़ता है। दोस्तों बहुत से लोग मक्का का तेल भी निकालते हैं, मक्का के तेल दर्द के लिए फायदेमंद होता है। अगर किसी के हाथ पैर में दर्द होता हो, कमर में दर्द होता हो, घुटनों में दर्द होता हो तो वह मक्का के तेल से दर्द के स्थान पर मसाज करे तो उसे बहुत ही जल्दी आराम मिलेगा, इतना फायदेमंद होता है यह मक्का का तेल। दोस्तों अगर किसी को कपन का बीमारी है, चलते हुए उसका बदन कांपता है, थरथराता है, तो वह 2 चम्मच मक्का का तेल में 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करे और ऊपर से दूध पिए 3-4 महीने तक, तो बदन का कांपना ठीक होगा। ऐसे तो दोस्तों मक्का के आटे का रोटी और सरसों के साग पंजाब का बड़ा ही प्रसिद्ध खानों में से एक है। इसके सेवन से शरीर का बल बढ़ता है, ताकत बढ़ता है और लंबाई भी बढ़ता है अच्छा खासा। दोस्तों मक्का का रोटी या मक्का का भात बनाकर लोग खाते हैं, अगर आप मक्का के भात का सेवन करते हैं तो कब्ज रोग दूर होता है। अगर किसी को कब्ज हो, लैट्रिन नहीं साफ होता हो तो वह मक्का के भात बनाकर सेवन करे लगातार 2-3 दिन तक तो उसका पेट साफ होने लगेगा, क्योंकि यह मक्का पेट को साफ करने का काम भी करता है। दोस्तों इस मक्का के बाल में आप देखे होंगे, बाल के जैसे जैसे बालियों के ऊपर निकले हुए रहते हैं, उस मक्का के बाल को अगर पकाकर उसके पानी से आप अपने बालों को धोते हैं तो आपका बाल जो है मजबूत होगा और लंबे होंगे, घने होंगे। दोस्तों मक्का के फली के ऊपर जो बाल दिखाई दे रहे हैं, नरम नरम, सफेद सफेद, कोमल कोमल, इस बाल का काढ़ा बनाकर सेवन करने से पथरी रोग ठीक होता है। पथरी टूट टूट कर पेशाब के रास्ते से बह जाता है, इतना फायदेमंद होता है इस मक्का के ऊपर जो आप देख रहे हैं बाल। इस तरह से यह मक्का भी एक बहुत ही अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं तो मात्र इसे एक खाद्य पदार्थ समझते हैं, और जो लोग जानते हैं तो इसके सेवन से शरीर का बल बढ़ाते हैं और बहुत सारे बीमारियों को नष्ट भी करते हैं। तो चलो दोस्तों इस महत्वपूर्ण जानकारी को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारी जानकारी लाभदायक हो, फायदेमंद हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक।